नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। आज मैं आप लोगों को मूवी सफ़र AEPS के बारे में बताऊंगा, जिसे हम मिनी आधार ATM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं मूवी सफ़र सर्विस में। ये सर्विस है सर, इसे ओपन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, देखते हैं सर्विस से जो AEPS, ये AEPS, इसे ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब जैसे बैलेंस चेक करें या पैसे निकालने, चलो बैलेंस चेक करने के लिए क्लिक कर देते हैं। अब कस्टमर मोबाइल नंबर दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ ना, कस्टमर मोबाइल नंबर, हम यहाँ पे कस्टमर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों ये हमारा कस्टमर मोबाइल नंबर हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी नंबर डालना है, चाहे मोबाइल बंद हो या स्विच ऑफ हो, चाहे जो भी हो, चाहे बैंक में रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कोई भी नंबर डालना है। A to Z मोबाइल नंबर होना चाहिए इंडिया का। ठीक है दोस्तों, अब आधार नंबर में आ जाते हैं। ये आधार नंबर जो है, आधार नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। ये आधार नंबर हो गया दोस्तों हमारा। अब यहाँ पे आपको बैंक चॉइस करना है, जो आपका बैंक हो। सभी बैंक का यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। मेरा UBI है। सॉरी, यहाँ पे टच करना है UBI। यहाँ पे UBI हो गया। शॉर्टकट में कोई भी नाम डालेंगे जो आपका बैंक होगा, या स्टेट बैंक है तो SBI डाल देंगे तो भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे नाम डालना है, कस्टमर का नाम जो है दोस्तों। अगर आप शॉर्टकट में डालते हैं, जैसे इसका नाम शिव कुमार हो, समर हो, अमरजीत हो, साहेब हो, चाहे जो भी हो, अगर शिव कुमार है यहाँ पे SK डाल दो तो भी ले लेगा। अब आपके पास मर्फो डिवाइस हो, मर्फो हो या मंत्रा हो, बायोमेट्रिक स्कैनर पर कस्टमर का हाथ रखवा, उंगली रखवा लें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। मैं इस समय फिंगर मशीन लिया नहीं साथ में। इस पर क्लिक करते हैं, जब क्लिक करेंगे स्कैन डिवाइस आपका आधार नंबर सही होगा तो बताएगा पहले तुरंत। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे सबमिट करेंगे तभी आपका दिखाएगा बैलेंस। अगर बैलेंस चेक कर रहे हैं या मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तभी दिखाएगा। बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ही करना है। अब हम पैसे निकालने के बारे में बता दे रहे हैं। पैसे अगर दोस्तों निकालना है तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन टाइप में है, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी नहीं, ये जो बैलेंस इंक्वायरी दिखा रहा है, बैलेंस इंक्वायरी नहीं करना है आपको, विड्रॉल में करना है। तो विड्रॉल कर दिए, उसके बाद आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर चाहे जो डाल दीजिए चलेगा, आधार नंबर तो डाला हुआ है वही है। बस वहाँ पे विड्रॉल डालना है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है, और कुछ नहीं करना आपको दोस्त। एक बार में आप 10,000 तक रुपये निकाल सकते हैं आधार से, चाहे किसी कहीं से भी निकालोगे आधार कार्ड से, 10,000 निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। बस यहाँ पर पैसे डाल दो, या 100 रुपये निकालना, 200 निकालना, अपने मन से डाल दो, 100, 200, 1,000, 10,000 ऐसे डाल दो। इसके बाद फिर स्कैन
यहाँ पे क्लिक करना दोस्तों, स्कैन हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके खाते में वॉलेट में पैसे आ जाएगा। बस दोस्तों मोबी सफ़र राज ने बताया AEPS के बारे में, बस इतना ही और कुछ नहीं है। दोस्तों मैं अपना अगली वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही, अगर मोबी सफ़र में कोई नई सर्विस ऐड होती है तो। नमस्कार। बस।